राष्ट्री संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयंती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। गणनायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की जय श्री महांकाल। आप सभी ने पिछले भाग में देखा कि तांत्रिक के सभी शिष्य मारे जा चुके हैं। विक्रमादित्य ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया है। जैसे ही तांत्रिक ने स्वयं को अकेला पाया तो वह गजमोतिन को लेकर आकाश की ओर उड़ चला। वन इतना घना है कि तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से सघन वन को चीरता हुआ विक्रम की आंखों से ओझल हो गया। आइए देखते हैं कि क्या महाराज विक्रमादित्य उसे पकड़ने में सफल होते हैं, वे किस प्रकार गजमोतिन को तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाते हैं। बेताल, मुझे शीघ्र ही इसके पीछे ले चलो, ये हमारे नेत्रों से ओझल ना होने पाए। यदि ये आज सिद्धियां प्राप्त करने में सफल हो गया तो सर्वनाश कर डालेगा। जो आज्ञा महाराज, आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर विराजमान हो जाइए। ठहर जा पापी, तेरी मृत्यु निश्चित है। संसार की कोई भी शक्ति या अस्त्र तेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। जैसे ही तांत्रिक ने विक्रम और वेताल को अपने समीप आते हुए देखा तो वह युवती गजमोतिन को लेकर नरवर के किले में पहुंच गया, जो किसी समय राजा नल का हुआ करता था। वेताल ने फिर उसका पीछा किया तो वह तांत्रिक गजमोतिन को छोड़ अदृश्य हो गया। वेताल तांत्रिक के पीछे पीछे भागता है, किंतु उसे पकड़ने में वह असमर्थ हो रहा है और उसे किले के कोने कोने में ढूंढ रहा है। मूर्ख विक्रम, अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। ठहर जा, ठहर जा, आ रहा हूं मैं। रुक जा दुष्ट। विक्रमादित्य के हाथ ये कभी नहीं लगेगी।
मूर्ख स्त्री, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरे प्राण ले लूंगा। दुष्टा, तेरा अंत निश्चित है। विक्रम, तू नहीं बच पाएगा और ना ही इसे यहां से ले जा पाएगा। अब तू देख मैं क्या करती हूं इसके साथ। चेतावनी दे रहा हूं, इस प्रस्तर को पुनः कायिक कर दो जबरीली, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम स्वयं एक स्त्री हो, क्या तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी करुणा नहीं? काल, ये मुझसे ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया प्रभु, क्या अनर्थ हो गया। हे मां हरसिद्धि, ये तांत्रिक का हमने वध कर दिया, उसकी भार्या ने
स्वयं प्राण त्याग दिए और ये प्रस्तर अब मैं इस गजमोतिन को उसके पूर्ण स्वरूप में कैसे ला पाऊंगा प्रभु, कैसे? हे मां हरसिद्धि, मैं साहूकार को दिया वचन पूर्ण कैसे कर पाऊंगा मां, कैसे? बेताल, ये हमसे क्या अनर्थ हो गया बेताल? हमें तांत्रिक का वध नहीं करना था जब तक गजमोतिन उसके स्वरूप में नहीं आ जाती। बेताल, हमसे अनर्थ हो गया। आप निश्चिंत रहे महाराज, आपके मित्र के होते हुए आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। महाराज, मेरे पास एक ऐसी अद्भुत विद्या है जिससे मैं इस तंत्र से बनी हुई मूर्ति को पुनः पूर्व स्थिति में ला सकता हूँ। अद्भुत, अद्भुत बेताल, अद्भुत! शीघ्र करो मित्र, शीघ्र करो। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। महाराज विक्रमादित्य की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज विक्रम ने गजमोतिन को आश्वस्त किया कि अब वह पूर्णतः सुरक्षित है और उसे ससम्मान उसके पिता को सौंप दिया। पूर्व की तरह अवंतिका का वातावरण स्वच्छ व निडर हो गया। लोग सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहते हैं उस समय उस प्रस्तर देह से गजमोतिन तो बाहर आ गई, किंतु वह प्रस्तर प्रतिमा लोक देवी के रूप में आज भी वहां बनी हुई है, जिसे प्रसर माता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार महाराज ने तांत्रिक के आतंक को समाप्त कर एक बार पुनः अवंतिका नगरी के लोगों को अभय दान दे दिया। बोलो जय श्री महाकाल, जय सम्राट वीर विक्रमादित्य। नायक गण नायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य।